Assalamu alaikum and what's up guys, hope you all are in good of your spirit. So guys, if you haven't subscribed my channel, do subscribe it and please share it with all your friends and fellows so that it might help them as well. So guys, taking start with this chapter 10, that is your joints, and it's your last chapter of a prelim. Alhamdulillah, we've covered each and everything of a prelim, right? So starting with this chapter, इसमें सबसे पहले आप अच्छा ये चैप्टर बेसिकली जो जॉइंट्स वाला है ना, ये आप लोगों ने बीडी से नहीं करना. जो चीज़ें मैं आपको बताऊंगी आप सिर्फ वो चीज़ें बीडी से कर लें, दैट इज़ मोर देन एनफ, ठीक है. और जो चीज़ें मैं आपको कह रही हूँ कि आपने स्नेल से करनी है, स्नेल से ही आपने करना है. जॉइंट्स आपने स्नेल से ही पढ़ने हैं. जो चीज़ें मैं आपको यहाँ बीडी से करने के लिए बताऊँगी, क्लिनिकल्स आपने बीडी के इस चैप्टर के सारे पढ़ने हैं, ठीक है. उसके अलावा जो भी मैं कुछ बताऊँगी वो आपने इस चैप्टर से यहाँ से बीडी से पढ़ना है, ठीक है. बाकी आपने स्नेल से इस चैप्टर को पढ़ना है क्योंकि बीडी में बहुत ही एक्सटेंसिव एक्सप्लेनेशन दी हुई है हर जॉइंट की और इतनी रिक्वायर्ड नहीं है याद करने के लिए, ठीक है. सो स्टार्टिंग विद दिस फर्स्ट फिगर, दैट इज 10.1, ठीक है. इसमें आप देख सकते हैं ये आपके पास एक कंप्लीट आर्टिकुलर डिस्क है जो आपकी क्लेविकल और मैन्यूब्रम के दरमियान है, ठीक है. इस आर्टिकुलर डिस्क से हमारे पास दो कंपार्टमेंट्स बन रहे हैं, ठीक है. एक है हमारे पास सुपीरो मीडियल कंपार्टमेंट, ठीक है, जो कि प्रोट्रैक्शन और रिट्रैक्शन कराता है. और दूसरा है आपके पास इन्फीरो लेटरल कंपार्टमेंट, जो कि आपके पास एलिवेशन और डिप्रेशन करवाता है, ठीक है. सो ये आपके बेसिकली इस डायग्राम में स्टर्नोक्लेविकुलर और एक्रोमियोक्लेविकुलर, स्टर्नोक्लेविकुलर और आपका एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट जो है वो दिखा रहे हैं, ठीक है. सो आपने ये MCQ के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज़ें याद रखनी है, ठीक है. आगे हम चलते हैं तो आपने अब एक और इम्पॉर्टेंट MCQ जो आता है, दैट इज़ जो आपका ये क्रैकोएक्रोमियल लिगामेंट है, ठीक है. आपका एक्रोमियन, आपका क्रैकोएक्रोमियल लिगामेंट और जो कोरकॉर्ड प्रोसेस है, ये आपके पास क्रैकोएक्रोमियल आर्च बनाते हैं, ठीक है. सो क्रैकोएक्रोमियल आर्च आपकी किन चीज़ों से बनते हैं, इन तीन चीज़ों से, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है. ये आपने करना है. इसके बाद आपको ना ये जो ये जो डायग्राम नज़र आ रही है इसमें, ये 10.3 फिगर में आपको ये क्या नज़र आ रहा है, सुप्रास्क्लेपुलर नॉच है, ठीक है. अब इस नॉच में से जो भी चीज़ें पास करी हैं उनके नाम आपको पता होने चाहिए, बिकॉज दिस इज़ आस्क्ड इन MCQs, ठीक है. लाइक इसमें से सुप्रास्क्लेपुलर वेन और आर्टरी है, सुप्रास्क्लेपुलर नर्व और सुप्रास्क्लेपुलर लिगामेंट एंड ये नॉच है जिसमें से ये सारा कुछ गुजर रहा है, ठीक है. अब हमारे पास ना इस फिगर को अगर आप देखें तो इस फिगर के ज़रिए मैं आपको समझाऊंगी स्कैपुलो ह्यूमरल रिदम, ठीक है. स्कैपुलो ह्यूमरल रिदम होता क्या है, आपकी जो ये स्कैपुला है और ये आपकी ह्यूमरस है, ठीक है. ये दोनों ना 1:2 की फॉर्म में मूवमेंट शो करते हैं. आपकी स्कैपुला और ह्यूमरस 1:2 की फॉर्म में मूवमेंट शो करते हैं. जब भी आप अपनी आर्म को एबडक्ट करेंगे, ठीक है, कितना एबडक्ट करेंगे, 180 डिग्रीज तक जब भी आपने अपनी आर्म को एबडक्ट किया, ठीक है, तो उसमें से क्या होगा कि आपकी जो 180 डिग्री आपने एबडक्शन करवाई, उसमें से आपकी जो 60 डिग्रीज रोटेशन है वो स्कैपुला कराएगा, ठीक है. 60 डिग्रीज स्कैपुला कराएगा और बाकी जो 120 है वो ये ह्यूमरस कराएगा, ठीक है. गेटिंग इट, 60 स्कैपुला ने कराई, 120 ह्यूमरस ने कराई. इसलिए हम कहते हैं कि हमारी जो स्कैपुला और ह्यूमरस की मूवमेंट है, दैट इज़ 1:2, ठीक है. दिस इज़ 1 एंड दिस इज़ 2, 1:2. स्कैपुला ने 60 करवाई और इसने ह्यूमरस से 120 डिग्रीज जो है वो मूवमेंट कराई, जब हमने एबडक्शन टोटल करवानी होती है अप टू 180 डिग्रीज, ठीक है. सो इन दिस वे वी से दैट स्कैपुलो ह्यूमरल रिदम इज़ 1:2, ठीक है. आई होप आपको ये पॉइंट समझ आ गया. और ये होता कहाँ है, शोल्डर जॉइंट पे होता है, ठीक है. इसकी डिटेल ना मैंने आपको बहुत सिंपल वर्ड्स में आपको समझा दी है. इसकी डिटेल लिखी हुई है आपकी ये, ठीक है, ये आपकी इसकी डिटेल लिखी हुई है पेज नंबर 150 पे, सही है. ये आप लोग यहाँ से पढ़ लीजिएगा, वरना जितना मैंने आपको बताया ये भी आप याद रखें तो ये काफ़ी है, ठीक है, ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं. उसके बाद हमने ये देख लिया था, आगे आप लोगों ने ये टेबल करना है इसमें से, ठीक है. ये टेबल आपने लाजमी करना है, ये आप लोगों ने खुद करना है. आप पहले सारा कुछ जॉइंट्स जब पढ़ लेंगे ना वहाँ से स्नेल से, तो आप लोगों ने ये टेबल पढ़ना है. इसमें मसल्स लिखे हुए हैं और कुछ एसेसरी मसल्स जो कि आपके इन मूवमेंट्स में इन्वॉल्व हैं, लाइक फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एबडक्शन, एडक्शन वगैरह, मीडियल और लैटरल रोटेशन में जो जो मसल्स इन्वॉल्व हैं वो सारे लिखे हुए हैं. तो ये आपने आफ्टर रीडिंग फ्रॉम स्नेल ये टेबल याद करना है, ठीक है. उसके बाद ना मोस्ट ऑफनली शोल्डर जॉइंट का एक क्वेश्चन आता है कि आप बताएं कि क्या प्लेन है उनकी एबडक्शन और एडक्शन का, ठीक है. व्हाट इज़ द प्लेन ऑफ एबडक्शन एंड एडक्शन एट शोल्डर जॉइंट, ठीक है. तो उस प्लेन में आपके पास
जितनी भी मूवमेंट्स हैं वो आपने लिखनी होती है एबडक्शन और एडक्शन की, ठीक है। ये वाला जो पोर्शन है ना, ये वाली हेडिंग, ये आप लोग ने याद करनी है, ये जो 148 पेज पे लिखी हुई है। ये अक्सर पूछ लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू शोल्डर जॉइंट, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए किन प्लेन्स के क्रॉस मूवमेंट्स होती हैं। देन आपने जो चीज़ पढ़नी है वो है क्लेविकल्स, सॉरी क्लेविकल कह रही हूँ, क्लिनिकल्स, ठीक है। क्लिनिकल्स आप लोगों ने पढ़ना है। तो क्लेविकल का सबसे पहले हम देख लेते हैं कि अगर क्लेविकल जो है वो डिसलोकेट हो जाए उसकी एंड से, उसकी दो एंड्स होती हैं आपको पता है, एक मीडियल और लैटरल एंड है, ठीक है। अगर उसका मीडियल एंड जो है वो डिसलोकेट हो जाए तो आपको बेसिकली उसकी डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में नज़र आएगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। बैकवर्ड डिसलोकेशंस जो है ना वो बहुत रेयर देखी गई हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसको बैकवर्ड डिसप्लेसमेंट जो है अक्रॉस द क्लेविकल उससे प्रिवेंट करता है आपके पास क्रैको क्लेविकुलर लिगामेंट, ठीक है। और क्रैको क्लेविकुलर लिगामेंट आपका ये वाला लिगामेंट है, ठीक है। आर यू गेटिंग इट? सॉरी, ये वाला, ये है आपका क्रैको क्लेविकुलर लिगामेंट जो क्लेविकल की बैकवर्ड डिस्प्लेसमेंट को प्रिवेंट करता है। मीडियल एंड मोस्टली किस डायरेक्शन में डिस्प्लेस करता है? फॉरवर्ड्स डायरेक्शन में। इस डायरेक्शन में बैकवर्ड डिस्प्लेसमेंट बहुत रेयर होती है। आई होप आपको ये बात क्लियर हो गई है। देन है आपकी अगला क्लिनिकल, यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपका जो मेन बॉन्ड है यूनियन का बिटवीन योर क्लेविकल एंड मैनुब्रियम वो है आर्टिकुलर डिस्क। वो मैंने आपको बताया था कि किस तरह से जो आपका आर्टिकुलर डिस्क है इसने ये दो कंपार्टमेंट्स बनाए थे, सुपीरो मीडियल और सुपीरो लैटरल, सुपीरो मीडियल और सुपीरो लैटरल कंपार्टमेंट्स बने थे इस आर्टिकुलर डिस्क से। तो आप वो आर्टिकुलर डिस्क के बारे में कह रहे हैं, बेसिकली ये पॉइंट ऑफ यूनियन है आपके क्लेविकल और मैनुब्रियम के दरमियान। नो डाउट ये भी आपको पता चल रहा है यहाँ पे कि यहाँ पे ये देखेंगे आपका क्लेविकल है या आपका मैनुब्रियम है, दोनों को ज्वाइन करिए ये आर्टिकुलर डिस्क, ठीक है। अब वो कहता है कि आपकी जो ये पॉइंट ऑफ यूनियन है बेसिकली जो आपकी आर्टिकुलर डिस्क है, ठीक है, ये जॉइंट कैप्सूल पे एक तो अटैचमेंट करवाती है, ठीक है, ये ठीक है, आपकी आर्टिकुलर डिस्क एक तो आपकी जॉइंट कैप्सूल के ऊपर अटैचमेंट करवाती है, दूसरा ये क्या करती है कि ये आपके क्लेविकल के मीडियल एंड पे प्रेजेंट होती है, ये भी आपको पता, ठीक है। इसके अलावा ये आपके मैनुब्रियम के साथ भी अटैच्ड होती है। तो यानी बेसिकली आर्टिकुलर डिस्क, मैंने आपको बता दिया सिंपल वर्ड्स में, कि ये क्लेविकल और मैनुब्रियम को जॉइन करती है, ठीक है, क्लेविकल के मीडियल एंड को और मैनुब्रियम को आपस में ये जॉइन करती है, ठीक है। और ये प्रेजेंट मोस्टली आपके जॉइंट कैप्सूल्स के साथ होती है, ठीक है, आपके जॉइंट्स के इर्द गिर्द जो कैप्सूल्स होते हैं उनके साथ ये आर्टिकुलर डिस्क अटैच्ड होती हैं, ठीक है। और ये हेल्प किस चीज़ में करती हैं? बेसिकली आपकी जो स्टर्नल एंड है क्लेविकल का उसको अपवर्ड टिल्ट करने से बचाती हैं, ठीक है। जब भी आपके आर्म पे जो है वो वेट पुट किया जाता है तो मोस्टली आपका फिर क्या होता है कि एक्रोमियल एंड जो है वो डिप्रेस हो जाता है, सही है। तो एक्रोमियल एंड जब डिप्रेस हो जाएगा तो बेसिकली आर्टिकुलर डिस्क क्या करेगा, इट प्रिवेंट्स द क्लेविकल फ्रॉम टिल्टिंग अपवर्ड्स इन केस आपके अगर आपके आर्म के ऊपर वेट पुट ऑन हो रहा है और उसकी वजह से आपका एक्रोमियल एंड तो डिप्रेस हो रहा है, लेकिन ये आर्टिकुलर डिस्क क्या करेगा कि आपके जो स्टर्नल एंड है उसको टिल्ट होने से बचा लेगा जब भी आपकी आर्म पे जो है वो वेट पुट ऑन किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्लेविकल है, क्लिनिकल है क्लेविकल का, दैट क्लेविकल मोस्टली डिसलोकेट्स टूवर्ड्स द एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट, ठीक है। ये भी आपको पता है कि एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट की तरफ हमेशा क्लेविकल की डिसलोकेशन होती है, क्योंकि आपको पता है कि क्लेविकल हमेशा इट ओवरराइड्स दिस एक्रोमियन। ये आपका क्लेविकल है, ये आपका एक्रोमियन है। एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट पे ज़्यादातर डिसलोकेशन नज़र आती है, क्यों? क्योंकि हमेशा आपकी जो क्लेविकल है इट मोस्टली ओवरराइड्स दिस एक्रोमियन, यानी ये ऊपर डिस्प्लेस कर जाती है इस एक्रोमियन से, ठीक है। इसलिए आपको ज़्यादातर जो क्लेविकल के फ्रैक्चर्स हैं वो आपको कहाँ नजर आते हैं? एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट पे। जो वेट है आपकी लिम्ब का वो ट्रांसमिट होता है आपकी स्कैपुला से क्लेविकल की तरफ, ठीक है, उसके बाद आपकी क्लेविकल से आगे स्टर्नम की तरफ ट्रांसमिट होता है। अब क्लेविकल स्कैपुला से क्लेविकल की तरफ पहले जो लिगामेंट ट्रांसमिट करेगा वेट को, दैट इज क्रैको क्लेविकुलर लिगामेंट, ठीक है। बाद में आपके पास क्लेविकल से आगे स्टर्नम की तरफ आपका स्टर्नो क्लेविकुलर लिगामेंट जो है वो वेट ट्रांसमिट करता है, ठीक है। और आपको पता होना चाहिए कि आपकी जो फर्स्ट रिब है उसकी तरफ वेट जो ट्रांसमिट होगा दैट वुड बी ट्रांसमिटेड बाय कोस्टो क्लेविकुलर लिगामेंट, ठीक है। तो जब भी क्लेविकल फ्रैक्चर होगी वो मोस्टली इन्हीं दो लिगामेंट्स के दरमियान फ्रैक्चर होती है,
ठीक है। अब डिसलोकेशन हम देख लेते हैं, तो शोल्डर जॉइंट जो है आपको पता है इट इज़ मोर प्रोन टू डिसलोकेशन एज कम्पेयर टू द अदर जॉइंट्स। क्यों? क्योंकि जो आपकी कैप्सूल होती है ना शोल्डर जॉइंट की, वो काफ़ी लूज होती है, ठीक है, और जो उसके आर्टिकुलर सर्फेसिस होती हैं वो भी प्रोपोर्शनेट नहीं होती, डिसप्रोपोर्शनेट होती हैं। एक तो उनकी कैप्सूल काफ़ी लूज होती है, दूसरी उनकी आर्टिकुलर सर्फेसिस डिसप्रोपोर्शनेट होती हैं, इसलिए आपका जो शोल्डर जॉइंट है इट इज़ मोर प्रोन टू डिसलोकेशन, ठीक है। अब डिसलोकेशन जो है वो मोस्टली तब नज़र आएगा आपको जब आपकी आर्म जो है वो एबडक्टेड पोजिशन में होगी, आपकी बॉडी से अवे जब होगी तब आपको जो है वो डिसलोकेशन एट शोल्डर जॉइंट नज़र आएगा। इस पोजिशन में क्या होता है कि आपका जो ह्यूमरस का हेड है वो मोस्टली आपके जो लोअर अनसपोर्टेड पार्ट होता है ना कैप्सुलर लिगामेंट का, उसके अगेंस्ट प्रेस्ड होता है, ठीक है। जब आपका हेड ऑफ ह्यूमरस आपके कैप्सुलर लिगामेंट के अनसपोर्टेड पार्ट के अगेंस्ट प्रेस्ड होगा तो हमेशा जो डिसलोकेशन है वो आपको सब ग्लिनोइड वेराइटी की मिलेगी अक्रॉस द शोल्डर जॉइंट, ठीक है। अब डिसलोकेशन की वजह से शोल्डर जॉइंट की जब डिसलोकेशन हो गई तो उसकी वजह से क्या होता है आपकी एक्सिलरी नर्व डैमेज कर जाती है, ठीक है, और ये जो है आपको जॉइंट कैप्सूल के लोअर पार्ट में नज़र आएगा, ठीक है। जो आपका शोल्डर जॉइंट का जो जॉइंट कैप्सूल है उसका लोअर पार्ट में ये डिसलोकेशन आपको मोर जो है वो नज़र आती है। देन ऑप्टिमम एटीट्यूड क्या है? एंकलोसिस के केस, एंकलोसिस क्या होता है कि अगर आपकी जो बोन्स हैं, ठीक है, उनकी फ्यूजन हो जाए तो उससे क्या होता है कि आपकी जॉइंट्स जो है ना वो एबनॉर्मली स्टिफ्ट हो जाएंगे, वो इमोबाइल हो जाएंगे, ठीक है। तो जब जॉइंट्स एबनॉर्मली स्टिफ और इमोबाइल हो जाते हैं ड्यू टू द फ्यूजन ऑफ योर बोन्स, उसको हम कहते हैं कि ये एंकाइलोसिस है, ठीक है। एंकाइलोसिस को अवॉइड करने के लिए हमारे पास बहुत सारी डिजीज़ जो हैं शोल्डर जॉइंट की, उनको ट्रीट किया जाता है बाय एन ऑप्टिमम पोजिशन ऑफ द जॉइंट, ठीक है। इस पोजिशन को हम कहते हैं ऑप्टिमम एटीट्यूड, ठीक है। और जो आपकी आर्म है इस ऑप्टिमम एटीट्यूड के केस में इट इज़ एबडक्टेड बाय 45 to 90 degrees, ठीक है। आई होप आपको ये बात समझ आ गई है। देन इज शोल्डर टिप पेन। अब आपको पता होना चाहिए कि शोल्डर टिप पेन होती किस वजह से। बेसिकली आपकी जो रेफर्ड पेन है दैट इज़ द कॉज ऑफ दिस शोल्डर टिप पेन। होता क्या है कि आपकी जो डायफ्राम के नीचे जितनी भी पेरिटोनियल लाइनिंग होती है अगर वो इरिटेट हो जाए ना तो उससे क्या होगा कि वो आपकी पेन रेफर कर देती है टूवर्ड्स द शोल्डर, ठीक है। शोल्डर जॉइंट में जो है आपकी पेन रेफर हो जाएगी। अब जब शोल्डर जॉइंट में रेफर हुई है पेन, इसकी वजह क्या है? इसकी वजह बेसिकली ये है कि आपके जो डायफ्राम के नीचे जितनी भी पेरिटोनियल लाइनिंग थी उसको फ्रेनिक नर्व सप्लाई करी थी, और जो आपकी शोल्डर जॉइंट है, ठीक है, शोल्डर है, उसको आपकी सुप्रा क्लेविकुलर नर्व सप्लाई करी थी। अब दोनों ये जो नर्व्स है ना, दोनों की जो स्पाइनल सेगमेंट्स हैं वो C3 और C4 है, क्योंकि इन दोनों नर्व्स की स्पाइनल सेगमेंट सेम हैं, यानी C3 और C4 हैं, इसलिए जो है वो आपकी जो डायफ्राम के नीचे जो पेरिटोनियल लाइनिंग है वहाँ से पेन जो है वो शोल्डर की तरफ रेफर हो जाती है, क्योंकि दोनों एरियाज की स्पाइनल सेगमेंट सेम है, ठीक है। नर्व्स बेशक मुख्तलिफ हैं, डायफ्राम से नीचे जो एरिया है पेरिटोनियम का इट इज़ सप्लाइड बाय फ्रेनिक नर्व, ठीक है, और जो शोल्डर है इट इज़ सप्लाइड बाय सुप्राक्लेविकुलर नर्व्स। नर्व्स डिफरेंट हैं लेकिन क्योंकि उनके स्पाइनल सेगमेंट सेम है C3 C4, इसलिए पेन जो है वो रेफर कर जाती है टूवर्ड्स द शोल्डर जॉइंट, जिसकी वजह से शोल्डर टिप पेन होती है, ठीक है। अब शोल्डर टिप पेन जो है वो कॉमनली आपको जो है वो किस तरह ट्रीट किया जाता है, शोल्डर जॉइंट जो है, शोल्डर जॉइंट को अगर सर्जिकली हमने ट्रीट करना हो तो हम बेसिकली उसको सामने से सर्जरी करते हैं। ये अगर शोल्डर जॉइंट है आपका, ठीक है, तो हम फ्रंट से जो है उसको अप्रोच करेंगे फॉर द सर्जरी, ठीक है। लेकिन अगर आपने एस्पायरेशन करनी है, ठीक है, यानी नीडल इंट्रोड्यूस कराना है शोल्डर जॉइंट में, तो फिर आप क्या करेंगे कि आप इधर उसमें इधर फ्रंट से ही नीडल इंट्रोड्यूस करा देंगे इनटू द डेल्टो पेक्टोरल ट्रायंगल, ठीक है, जो कि आपके इस डेल्टोइड मसल के करीब करीब होगा, या फिर आप उसको लैटरली अप्रोच करेंगे, ठीक है, जस्ट बिलो द एक्रोमियन। यहाँ पर अगर आपका एक्रोमियन है तो उसके बिल्कुल नीचे लैटरली आप अप्रोच करेंगे फॉर योर एस्पायरेशन, यानी नीडल इंट्रोड्यूस कराने के लिए इनटू द शोल्डर जॉइंट, ठीक है। सर्जिकली हमेशा फ्रंट से, लेकिन अगर आपने एस्पायरेशन करानी है तो आप फ्रंट से भी करा सकते हैं और लैटरली भी करा सकते हैं। फ्रंट से कराएंगे तो
तो फिर हम इंटू डेल्टा पेक्टोरल ट्राइंगल नीडल को इंसर्ट करेंगे, और अगर लैटरली कराएंगे तो फिर हम इंटू द बिलो द एक्रोमियम जो है वो नीडल को इंट्रोड्यूस कराते हैं, ठीक है। देन इज योर कंडीशन कॉल्ड फ्रोजन शोल्डर। फ्रोजन शोल्डर क्या है? ये बेसिकली जब आपके जो जॉइंट्स के इर्द गिर्द, शोल्डर जॉइंट के इर्द गिर्द जो साइनोवियल मेम्ब्रेन है, ठीक है, उसकी दोनों लेयर्स एक दूसरे के साथ एडहेयर कर जाए ना, तो उससे क्या होगा, आपके पास फ्रोजन शोल्डर की कंडीशन हो जाती है, ठीक है। ये मोस्टली आपको किन पेशेंट्स में नज़र आता है? दोज हु आर इन द रेंज ऑफ 40 to 60 ईयर्स ऑफ एज, ठीक है। और इनमें बेसिकली जो पेन है वो काफ़ी ज़्यादा आपको नज़र आती है एट द शोल्डर जॉइंट, ठीक है, उनका जॉइंट स्टिफ हो जाता है, ठीक है, वो कोई मूवमेंट नहीं परफॉर्म कर सकते, ऑल द मूवमेंट्स आर रिस्ट्रिक्टेड, लाइक वो एक्सटर्नल रोटेशन, एब्डक्शन, मीडियल रोटेशन नहीं करवा सकते, ठीक है। इसके अलावा जो उनकी ग्लेनोह्यूमरल जॉइंट की कंट्रीब्यूशन है वो काफ़ी कम हो जाती है, यानी शोल्डर जॉइंट की कंट्रीब्यूशन काफ़ी कम हो जाती है, उनकी ऑल्टर्ड स्कैपुलोह्यूमरल रिदम होता है, ठीक है, जो आपका 1:2 रिदम होता है वो उनका नहीं होता, ठीक है। इसके अलावा जो सराउंडिंग में मसल्स हैं उनकी डिस्यूज एट्रॉफी हो जाती है, ठीक है। ये जो डिज़ीज़ है बेसिकली फ्रोजन शोल्डर वाली, इट इज़ सेल्फ लिमिटिंग, खुद ही से ही जो है ना, ये जो भी पेशेंट होगा वो रिकवर कर लेता है स्पॉन्टेनियसली 2 सालों के अंदर अंदर, ठीक है। या फिर अगर खुद ही से नहीं रिकवर करवाएगा तो उसको फिजियोथेरेपी के ज़रिए रिकवर करवाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट इज़ कि आपका जो शोल्डर जॉइंट है, अगर उस आप पेशेंट को कहें कि वो अपने शोल्डर जॉइंट को रेज करे, ठीक है, यानी दोनों हाथों को जो है वो ऊपर की तरफ जो है वो बिल्कुल रेज करे, उसके जो आर्म्स हैं दे आर रेज, ठीक है, अबव द हेड, और उसके पाम्स जो हैं वो इकट्ठे हैं, ठीक है, तो उससे क्या होगा, तो कि हम जो शोल्डर जॉइंट की डिजीज़ हैं उनको ट्रीट कर सकते हैं, सही है। आर यू गेटिंग इट? अगर हम पेशेंट से कहें कि अपने पाम्स को इकट्ठे जोड़ के हेड के ऊपर अपने आर्म्स को रेज करें, तो दैट इज़ वन वे टू ट्रीट द शोल्डर जॉइंट डिजीजेस, ठीक है। आपका जो डेल्टॉइड मसल है और एक्सिलरी नर्व है, दे आर लाइकली टू बी इंटैक्ट इन दिस पोजिशन, ठीक है। आई होप आपको ये बात भी समझ आ गई है। आगे चलते हैं, तो आपने अब इसमें से क्या करना है, जॉइंट्स मैंने आपको बताया था यहाँ से नहीं करने हैं, लेकिन आप लोगों ने इनको पढ़ना है फ्रॉम योर स्नेल, ठीक है। एल्बो जॉइंट से रिलेटेड एक एमसीक्यू आता है, और वो एमसीक्यू ये है कि एल्बो जॉइंट जो है इट इज़ सराउंडेड बाय व्हाट। तो बेसिकली आपका जो एल्बो जॉइंट है ना, इसको सराउंड करता है आपका ओलिक्रैनन बर्सा, सेमटेनिनस ओलिक्रैनन बर्सा, एक आपका सॉरी इसको 3 बर्सा सराउंड करते हैं आपके ओलिक्रैनन जॉइंट को, ठीक है। आपने याद रखना है, एक है आपके पास इंट्राटेंडेनस ओलिक्रैनन बर्सा, दूसरा है सब टेंडेनस ओलिक्रैनन बर्सा, और तीसरा है सब क्यूटेनियस ओलिक्रैनन बर्सा। इंट्राटेंडेनस, सब टेंडेनस, और तीसरा सब क्यूटेनियस ओलिक्रैनन बर्सा, ठीक है। आई होप आपको ये बात क्लियर है। देन इज योर कैरिंग एंगल, ठीक है, ये आपने यहीं से करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी जो एल्बो जॉइंट है ना, अगर आप डायग्राम में देखें यहाँ पे ये है, ठीक है, आपकी जो एल्बो जॉइंट है ना वो बिल्कुल सीधी नहीं होती, ठीक है, इट इज़ मोर ओवे डायरेक्टेड मीडियली एंड डाउनवर्ड्स, ठीक है। अगर आप देखें तो इट इज़ डायरेक्टेड मीडियली आपकी बॉडी के ज़्यादा है इस तरह से, और फिर ये आगे डाउनवर्ड्स डायरेक्टेड है, ठीक है। तो उन्होंने यही लिखा है कि आपकी जो एल्बो जॉइंट का ट्रांसवर्स एक्सिस है, इट इज़ डायरेक्टेड मीडियली एंड डाउनवर्ड्स, ठीक है, क्योंकि आपकी ये एल्बो जॉइंट इज डायरेक्टेड मीडियली एंड डाउनवर्ड। इससे क्या होता है कि आपका जो एक्सटेंडेड फोर आर्म है वो स्ट्रेट लाइन में नहीं होता विद योर आर्म, ठीक है। अब आप देख सकते हैं, ज़ाहिरी से बात है क्योंकि ये मीडियली है और डाउनवर्ड्स है, तो आपका फोर आर्म आपकी आर्म सॉरी आपका फोर आर्म ये और ये आर्म एक ही पोजिशन में स्ट्रेट लाइन में नहीं है बल्कि डाइवर्टेड है, और ये डाइवर्जन अप्रॉक्सीमेटली 13 डिग्रीज तक होती है, ठीक है। आर यू गेटिंग इट? और यही इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है, इस जो ये जो डाइवर्जन एंगल है, ठीक है, इसको हम कहते हैं कि दिस इज़ द कैरिंग एंगल, ठीक है। अब कौन से फैक्टर्स हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल हैं फॉर द फॉर्मेशन ऑफ दिस कैरिंग एंगल? एक तो आपका जो ट्रॉक्लिया है उसकी मीडियल फ्लेंज जो है इट इज़ रिस्पॉन्सिबल, ठीक है। अगर वो मीडियल फ्लेंज आपके लैटरल फ्लेंज ऑफ ट्रॉक्लिया से 6 मिलीमीटर डीप हो जाए तो उसकी वजह से भी कैरिंग एंगल बनता है, ठीक है। या फिर अगर आपका जो सुपीरियर आर्टिकुलर सरफेस है कोरोनॉइड प्रोसेस ऑफ अल्ना का वो ऑब्लीकली प्लेस्ड है, ठीक है, टू द लॉन्ग एक्सिस ऑफ द बोन, तो दैट इज़ अगेन द कंट्रीब्यूशन ऑफ दिस
कैरिंग एंगल, ये दो फैक्टर्स आपने याद रखने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो कि कैरिंग एंगल में कंट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है। अब आपने याद रखना है कि कैरिंग एंगल जो है वो फ्लेक्शन में डिसअपेयर हो जाता है, और प्रोनेशन, फ्लेक्शन और प्रोनेशन दो कंडीशन है, फ्लेक्शन और प्रोनेशन, जिसमें ये कैरिंग एंगल डिसअपेयर हो जाएगा, ठीक है। फोरआर्म जो है आपकी वो इन लाइन विद आर्म सिर्फ एक पोजीशन में आती है, यानी आपकी फोरआर्म और आपकी आर्म सिर्फ एक पोजीशन में आप ये बिल्कुल सीधी लाइन में होंगे, और वो होगी मिड प्रोन पोजीशन, ठीक है। वो ये वाली पोजीशन होती है, यूँ जब आप यूँ करके अपने हाथ को रखते हैं, ठीक है, आर यू गेटिंग इट, यूँ जब आपने अपने हाथ को रखा, ठीक, तो वो होती है मिड प्रोन पोजीशन। फ्लेक्शन में आपकी एल्बो जॉइंट यूँ होती है, ठीक है, लेकिन उन्होंने कहा फ्लेक्शन में और जो आपके पास प्रोनेशन है, ठीक है, यानी प्रोनेशन वाली कंडीशन यहाँ पे इन्होंने आगे बताई होगी, मैं आपको बताती हूँ, ये है आपकी प्रोनेशन, ये दिस इज़ प्रोनेशन, ठीक है, प्रोनेशन वाली कंडीशन, ये वाली कंडीशन, ठीक है, और जो आपकी फ्लेक्शन वाली कंडीशन है, ठीक है, उसमें आपके पास जो आपका कैरिंग एंगल है वो डिसअपेयर हो जाता है, लेकिन मिड प्रोन पोजीशन में जो है ये उसमें आपको क्या नज़र आएगा कि फोरआर्म और आर्म एक ही सीधी लाइन में होंगी, ठीक है। उसमें भी आप कह सकते हैं कि कैरिंग एंगल जो है वो इतना विजिबल नहीं होगा, क्योंकि बिल्कुल सीधी लाइन में होते हैं। अब आपको पता होना चाहिए कि मेल्स में कैरिंग एंगल कितना होता है, मेल्स में होता है 10 to 15 degrees, लेकिन फीमेल्स में जो कैरिंग एंगल है दैट इज़ मोर देन 15 degrees, ठीक है, आई होप आपको ये बात क्लियर हो गई है। देन इज़ योर डिस्टेंशन, हम क्लिनिकल्स अब कर लेते हैं, ठीक है, तो डिस्टेंशन क्या है, अगर एल्बो जो इनकी डिस्टेंशन हो गई है, किस वजह से होती है, इफ्यूजन की वजह से, इफ्यूजन मतलब कि अगर आपकी जो है जॉइंट में फ्लूड की एक्यूमुलेशन हो गई है, तो उससे क्या होगा, आपकी एल्बो जॉइंट डिस्टेंड कर जाएगी, ठीक है, और ये मोस्टली पोस्टीरियरली अकर करता है एट योर एल्बो जॉइंट, ठीक है, जो कैप्सूल है उसकी वजह से, डिस्टेंशन की वजह से वो वीक हो जाएगा एल्बो जॉइंट का, ठीक है, और जो डीप फेशिया है वो थिन हो जाती है ड्यू टू डिस्टेंशन ऑफ द एल्बो जॉइंट, ठीक है। अब इसको ट्रीट करने के लिए हम क्या करते हैं कि पोस्टीरियरली, क्योंकि ये होता ही पोस्टीरियरली है, फ्यूजन जो है जॉइंट पे, एल्बो जॉइंट पे, वो पोस्टीरियरली होता है, तो ऑब्वियसली जब पोस्टीरियरली ये डिजीज़ है तो इसको ट्रीट भी पोस्टीरियरली करेंगे, यानी एस्पायरेशन भी हम इसकी पोस्टीरियरली करेंगे, ठीक है, और वो करेंगे ऑन एनी साइड ऑफ योर ओलिक्रैनम, ठीक है। नेक्स्ट इज डिसलोकेशन, अगर एल्बो जॉइंट डिसलोकेट हो जाता है, और ये भी मोस्टली पोस्टीरियरली ही आपको नज़र आता है, तो इसमें क्या होता है कि आपका बेसिकली जो कोरोनॉइड प्रोसेस है ना, वो भी फ्रैक्चर हो जाएगा, ठीक है। जो आपका ट्रायंगुलर रिलेशनशिप होता है ओलिक्रैनम का और दो ह्यूमरल एपिकोंडाइल्स का, ठीक है, वो भी लॉस्ट हो जाता है, जो आपको पता है कि फ्लेक्शन के केस में एक ट्रायंगल बनाते हैं, और जब एक्सटेंशन होते हैं वो तीनों एक लाइन में होते हैं, यह हमने बोन्स वाले चैप्टर में पढ़ा था, ठीक है। तो वो जो आपका एक ट्रायंगुलर रिलेशनशिप है वो भी नहीं नज़र आएगा इन केस ऑफ डिसलोकेशन, ठीक है। उसके अलावा आपका जो कोरोनॉइड प्रोसेस है वो भी फ्रैक्चर कर जाता है, और ये आपको मोस्टली तब नज़र आएगा जब आपकी एल्बो जो है वो पोस्टीरियरली डिसलोकेट करती है, ठीक है। देन इज सबलक्सेशन, सबलक्सेशन क्या है जी, कि अगर आपका जो रेडियस का हेड है वो चिल्ड्रंस में डिसलोकेट हो जाए, ठीक है, पार्शली डिसलोकेट हो जाए ड्यू टू पुल्ड एल्बो, उनकी एल्बो आपने जो है ना बड़ी ज़ोर से खींची है, तो उनकी जो हेड ऑफ रेडियस है वो सबलक्सेट या डिसलोकेट कर लिए, तो ऐसी कंडीशन में हम कहते हैं सबलक्सेशन, ठीक है। और ये होता किस वजह से, कि अगर आप बच्चों की फोर आर्म को जो है वो सडनली पुल करें और प्रोनेशन की कंडीशन में, ठीक है, अगर बच्चों की फोर आर्म को आपने सडनली पुल किया है इन प्रोनेटेड पोजीशन, उसकी वजह से सबलक्सेशन होती है, और आपका जो हेड ऑफ रेडियस है उस बच्चे का वो डिसलोकेट हो जाता है, ठीक है। हेड ऑफ रेडियस बेसिकली क्या करेगा कि वो अपने एनुलर लिगामेंट से स्लिप ऑफ करके बाहर आ जाएगा, ठीक है, आई होप आपको ये बात क्लियर है। देन इज टेनिस एल्बो, टेनिस एल्बो जो है ये आपको टेनिस प्लेयर्स में ऑब्वियसली नज़र आएगा। इसमें क्या होता है कि जब आपकी एब्रप्ट प्रोनेशन हो जाती है ना विद फुली एक्सटेंडेड एल्बो, तो उसकी वजह से क्या होता है, पेन और टेंडरनेस होता है आपकी लैटरल एपिकोंडाइल पे, जिसकी वजह से आपका जो कॉमन एक्सटेंसर ओरिजिन है वो आपको अटैच्ड नज़र आएगा, ठीक है। यानी क्या इसमें उन्होंने कहा टेनिस एल्बो में, कि अगर आपका जो प्रोनेशन है वो फुली एक्सटेंडेड एल्बो के साथ, ठीक है, वो बहुत एब्रप्टेड है, आपकी जो फुली एक्सटेंडेड एल्बो है उसकी अगर प्रोनेशन जो है वो बहुत एब्रप्टेड है, तो उसकी वजह से क्या होगा कि आपकी जो पेन और टेंडननेस है लैटरल एपिकोंडाइल के ऊपर
वो आपको फील होगी, जिसकी वजह से कॉमन एक्सटेंसर ओरिजिन्स जो हैं वो भी जो है इस जगह पे आके अटैच्ड हो जाएंगे, ठीक है, एट द टेनिस एल्बोज कंडीशन, ठीक है। ये आपको किस वजह से नज़र आता है कि अगर आपका जो रेडियल कोलैटरल लिगामेंट है उसमें कोई स्प्रेन हो, या फिर आपका जो एक्सटेंसर का रेडियलिस ब्रेविस है उसके फाइबर्स टियर कर जाएं, ठीक है, या फिर आपका जो इन्फ्लेमेटरी कंडीशन की वजह से कोई भी डीजनरेशन हो गई है एट योर जॉइंट, तो उसकी वजह से भी आपको टेनिस एल्बो नज़र आ सकते हैं। देन स्टूडेंट्स या माइनर एल्बो, इसमें क्या होता है कि अगर आपकी जो बर्सा है उसमें इफ्यूजन हो जाए, ठीक है, उसमें अगर फ्लूइड एक्युमुलेट हो जाए, ठीक है, और ये भी आपको क्रैनियल प्रोसेस के पोस्टीरियर सरफेस पे नज़र आएगा, ठीक है, तो उसकी वजह से ये स्टूडेंट्स माइनर्स एल्बो होता है। और ये होता कब है कि जब आपके जो लेक्चर्स के दौरान स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि अपने हेड को सपोर्ट देने के लिए, ठीक है, सोने के लिए स्पेशली वो अपने हैंड्स को फ्लेक्स्ड पोजिशंस में करते हैं, उनकी फ्लेक्स्ड एल्बोज हो जाती हैं, ठीक है, तो उस वक्त क्या होता है कि आपका जो बर्सा है ओलिग्रैनल प्रोसेस के ऊपर वो इन्फ्लेम हो जाता है, जिसकी वजह से आपका स्टूडेंट्स माइनर्स एल्बो वाली कंडीशन होती है, ठीक है। देन इज योर गोल्फर्स एल्बो, गोल्फर्स एल्बो क्या है कि अगर आपके जो मीडियल एपिकोडाइल है ह्यूमरस का वहाँ कोई माइक्रो ट्रॉमा हो गया, ठीक है, अब वहाँ पर अगर कोई माइक्रो ट्रॉमा हो गया, ठीक है, तो वो मोस्टली क्या करेगा कि कॉमन फ्लेक्सर ओरिजिन्स जो हैं वहाँ पे रिपीटेटिव स्ट्रेन्स जो हैं वो हो जाएंगी, ठीक है, जिसकी वजह से पेनफुल कंडीशन होगी ओवर द मीडियल साइड ऑफ द एल्बो, ठीक है। सो दिस इज़ द गोल्फर्स एल्बो। फिर है आपके पास कैरिंग एंगल, कैरिंग एंगल मैंने आपको पीछे यहाँ पे बताया था ना बहुत डिटेल में, ठीक है, मेल्स में कितना होता है, फीमेल्स में कितना होता है, ठीक है। अब हम कैरिंग एंगल से रिलेटेड एक कंडीशन पढ़ने लगे हैं कि अगर कैरिंग एंगल, वैसे तो नॉर्मल होता है 13, नॉर्मल वैल्यू इसकी होती है 13, ठीक है, अगर 13 से आपका कैरिंग एंगल ज़्यादा हो जाए तो कंडीशन होती है क्यूबिटस वेल्गस, ठीक है। इस कंडीशन में क्या होता है कि अल्नर नर्व जो है वो स्ट्रेच हो सकती है, जिसकी वजह से आपके इंट्रिंसिक मसल्स वीक हो जाते हैं, ठीक है, आपके हैंड के इंट्रिंसिक मसल्स अल्नर नर्व की स्ट्रेचिंग की वजह से वीक हो सकते हैं इन कंडीशन ऑफ क्यूबिटस वेल्गस, ठीक है, जब आपका कैरिंग एंगल आपके नॉर्मल जो कि 13 डिग्री है उससे ज़्यादा हो जाए। लेकिन अगर कैरिंग एंगल कम हो जाए तो इस कंडीशन को हम कहते हैं दैट इज़ क्यूबिटस वेरस, ठीक है। फिर अगर हमारे पास आगे उन्होंने लिखा हुआ है कि नॉर्मल पोजिशन जो है एल्बो की वो क्या है, तो जनरली आपकी जो एल्बो फ्लेक्शन है वो होती है बिटवीन 30 to 40 degrees, ठीक है, और ये ही आपकी नॉर्मल रेंज है एल्बो की फ्लेक्शन की, 30 to 40 degrees, ठीक है। अब उन्होंने आगे लिखा हुआ है कि कुछ लोगों में ना ये जो टर्मिनल फ्लेक्शन और एक्सटेंशन है वो नहीं हो पाती, ठीक है, आफ्टर एनी फ्रैक्चर या ट्रॉमा, ठीक है, और वो कोई भी जो टास्क हैं वो परफॉर्म नहीं कर सकते, उनकी ये जो रेंज है वो ये 30 to 40 degrees नहीं रहती अगर कोई आपके पास इंजरी हो जाए या फ्रैक्चर हो जाए, ठीक है, कोई ट्रॉमा हो जाए एट योर एल्बो जॉइंट, ठीक है। तो आई होप आपको ये बात भी क्लियर होगी है, ठीक है। देन आपने ये जॉइंट्स जो है मैंने आपको बताया वो आपने नहीं करना, ये जब आप पढ़ लेंगे रेडियो अल्नर जॉइंट्स इसको आपने यहाँ से ये टेबल लास्ट में करना है, ठीक है, आपने जॉइंट्स पढ़ने हैं फ्रॉम योर बीडी, सॉरी स्नेल, बीडी से आपने ये टेबल फिर करना है उसके बाद, ठीक है, ये टेबल आपने लास्ट में करना है। देन आपने ये प्रोनेशन और सुपिनेशन के बारे में ना वैसे लिखा हुआ है तो गिव इट अ रीड, ठीक है, मस्ट गिव इट अ रीड, ठीक है, यहाँ से आपने ये भी पढ़ लेना है। उसके बाद ना ये इंट्रोशियस मेम्ब्रेन के ऊपर 3 points लिखे हुए हैं, ये भी आपने पढ़ना है। जो जो मैं आपको बता रही हूँ ना बीजी से पढ़ने का वो आप साथ साथ मार्क करते जाएं, वो आपने यहीं से पढ़ना है, ठीक है, और बाकी सारा कुछ आपने सेल से पढ़ना है, सेल से आपने सब कुछ ही पढ़ना है जॉइंट्स का जो लिखा होगा। उसके बाद ये मैंने आपको बताया था ये क्या है, सुपिनेटेड कंडीशन, ठीक है, दिस इज़ प्रोनेटेड कंडीशन। सुपिनेशन में क्या होता है आपकी रेडियस और उल्ना एक दूसरे के पैरेलल है, लेकिन प्रोनेटेड कंडीशन में आपकी जो रेडियस है क्रॉसेस ओवर द उल्ना, उल्ना नीचे होती है रेडियस ऊपर होती है, रेडियस क्रॉस करके उल्ना के ऊपर आती है, ठीक है। अब सिनोस्टोसिस एक कंडीशन होती है, उसमें क्या होता है कि आपका जो रेडियस का अपर एंड है वो आपकी उल्ना के साथ फ्यूज हो जाता है, जिसकी वजह से प्रोनेशन ये जो हो रही है ये नहीं हो पाती, ठीक है। आई होप आपको ये कंडीशन समझ आ गई है सिनोस्टोसिस की, जिसमें आपका जो अपर एंड है रेडियस और अल्ना का वो फ्यूज कर जाएंगे आपस में, जिसकी वजह से प्रोनेशन इम्पॉसिबल हो जाएगी, उसको हम कहते हैं सिनोस्टोसिस, ठीक है। देन नेक्स्ट आपने जो चीज़ करनी है वो यहाँ पे, अच्छा ये इंपॉर्टेंट MCQs कुछ पूछते हैं रिलेटेड टू कार्पल बोन्स, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए। एक MCQ ऐसा आता है कि लुनेट बोन इज एट विच साइड ऑफ रेडियस, तो आपको पता होना चाहिए इट इज़ ऑन द मीडियल साइड ऑफ रेडियस। फिर एक MCQ होता है कि ट्राइकोट्रल बोन जो है वो अल्ना के किस साइड पे है,
तो वो लेटरल साइड ऑफ अल्ना पे होती है। फिर स्कैफोइड बोन जो है वो रेडियस के किस साइड पे है, तो वो मीडियल साइड पे होती है, ठीक है। इसी तरह पिसिफॉर्म जो है वो कहाँ पे प्लेस्ड होती है, तो वो ट्राइक्वेट्रल बोन के ऊपर होती है। तो ये बोन्स को आपने देखे अच्छे से, आपको पता होना चाहिए कि किसके साइड पे कौन सी बोन है, ठीक है। तो ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि किससे रिलेटेड एमसीक्यूज आ सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये बात क्लियर हो गई है। आगे हम देखते हैं, तो हमने इसमें से करना है ये वाला रेस्ट जॉइंट से रिलेटेड क्लिनिकल्स, ठीक है। रेस्ट जॉइंट और जो आपके इंटरफेंशियल जॉइंट्स हैं ना, ये आपको रूमेटॉइड आर्थराइटिस में ज़्यादा इन्वॉल्वड मिलेंगे, यानी रूमेटॉइड आर्थराइटिस के केस में ये जॉइंट्स जो हैं वो ज़्यादा जो है इन्फेक्टेड, या आप कह सकते हैं ज़्यादा अफेक्टेड होते हैं, ज़्यादा जो है प्रोन टू इंजरी होते हैं, ठीक है। अब आपके जो बैक ऑफ रिस्ट है ना, वो एक कॉमन साइट है गैंग्लियन की, आपकी बैक ऑफ रिस्ट है, यहाँ पे गैंग्लियन बन जाता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, बेसिकली ये है क्या, ये एक सिस्टिक स्वेलिंग है जो कि आपकी जो टेंडन्स के अराउंड साइनोवियल शीथ्स होती हैं, अगर वो उनकी म्यूकॉइड डीजेनरेशन हो जाए ना, तो फिर जो सिस्टिक स्वेलिंग बनती है ये वाली, उससे आप गैंग्लियन कहते हैं, ठीक है। अब आपको पता होना चाहिए कि हम रिस्ट जॉइंट को किस तरह से एस्पायरेट करते हैं। तो रिस्ट जॉइंट को एस्पायरेट हम करेंगे फ्रॉम द पोस्टीरियर सर्फेस, ठीक है, हमेशा पोस्टीरियर, ये पोस्टीरियर सर्फेस है हाथ की, ठीक है। तो पोस्टीरियर सर्फेस से हमेशा इसी सर्फेस से हम जो है एस्पायरेट करते हैं रिस्ट जॉइंट को, ठीक है। और किस तरह से एस्पायरेट करते हैं, आपके जो एक्सटेंसर पॉलिसस लॉन्गस और एक्सटेंसर डिस्टोरम के टेंडन हैं, इन दोनों के टेंडन्स के दरमियान से हम एस्पायरेशन करते हैं एट रिस्ट जॉइंट, ठीक है। अब आपको पता होना चाहिए कि जो आपकी जॉइंट है ये इमोबिलाइज होती है इन ऑप्टिमम पोजिशन, जो कितनी है आपकी 30 डिग्रीज डोर्सिफ्लेक्शन या एक्सटेंशन का होता है, ठीक है। इस 30 डिग्रीज डोर्सिफ्लेक्शन या जैसे आप एक्सटेंशन वाली कंडीशन कहते हैं, जो ऑप्टिमम पोजीशन है, इस पोजीशन में आपकी जो जॉइंट है इट इज़ इमोबाइल, ठीक है, रिस्ट जॉइंट इज इमोबाइल स्पेशली, ठीक है। फिर आगे उन्होंने लिखा हुआ है, क्योंकि जो रिस्ट जॉइंट है इट इज़ ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नेचर, ठीक है, और यहाँ पे मल्टीपल आर्टिकुलेशन हो रही होती हैं, ठीक है। तो अगर कोई भी इंजरी हो जाए टू द लिगामेंट, जो कि आपके प्रॉक्सिमल और डिस्टल रोज जो हैं कार्पल बोन्स की, उनके साथ अटैच होते हैं, ठीक है, आपके जो डिस्टल और प्रॉक्सिमल रोज ऑफ कार्पल बोन्स हैं उनके साथ अगर कोई जो भी लिगामेंट अटैच है वो इंजर हो जाए, ठीक है, तो उससे क्या होगा कि आपके सबलेक्जेशन ऑफ कार्पल्स हो जाएंगी, ठीक है। वेंट्रली भी हो सकती है सबलेक्जेशन ऑफ कार्पल बोन्स, और डॉर्सली भी हो सकती है, जिसकी वजह से पेनफुल कंडीशन हो सकती है आपके रिस्ट में, ठीक है। देन फर्स्ट मेटाकार्पल जॉइंट जो है ना, ये आप एक बार यहाँ से पढ़ लीजिएगा बीडी से, ठीक है, बाकी आपने स्नेल से ही पढ़ना है, ठीक है। इसकी आपकी टाइप को पता होना चाहिए, टाइप जो है दैट इज़ ऑफ सैडल वैरायटी, और ये अक्सर एमसीक्यूज में पूछ लेते हैं, ठीक है। बाकी आप लोग बेशक पढ़ लीजिएगा, वहीं से ही पढ़ लें, चाहे स्नेल से, यहाँ से बेशक ना पढ़ें, ठीक है। देन आप इसका क्लिनिकल देख लें, जो आपका फर्स्ट कार्पल मेटाकार्पल जॉइंट होते हैं ना, वो डीजेनरेटिव चेंजेस अंडरगो कर सकता है विद द पैसेज ऑफ टाइम, विद द ग्रोइंग एज, ठीक है, जो कि बहुत पेनफुल होती हैं, ठीक है। और ये कंडीशन जो है बेसिकली बेस ऑफ थंब पे आपको नज़र आती है, फर्स्ट कार्पल मेटाकार्पल जॉइंट की जो डीजेनरेटिव चेंजेस हैं एज के साथ साथ, जो आपको नज़र आएंगे, जो बहुत पेनफुल होते हैं, ये आपको थंब की बेस पे नज़र आते हैं मोस्टली, ठीक है। देन आपके जो टेंडन्स हैं एक्सटेंसर पॉलिसस ब्रेविस के, और जो एबडक्टर पॉलिसस लॉन्गस के टेंडन्स हैं, ठीक है, इनकी जो साइनोवियल लाइनिंग्स होती हैं ना, अगर वो इन्फ्लेम हो जाएं ड्यू टू रेपिटेटिव स्ट्रेन, ठीक है, तो एक पेनफुल कंडीशन हो जाती है उसकी वजह से, जिससे आप डी क्वेरियन स्टेनोसाइनोवाइटिस कहते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो मूवमेंट ऑफ थंब है उसकी वजह से बहुत ज़्यादा पेन हो जाती है, ठीक है। होता क्या है इस कंडीशन में, डी क्वेरियन टेनोसाइनोवाइटिस ही बहुत इंपॉर्टेंट क्लिनिकल है, ये आपको पता होना चाहिए। इसमें क्या होता है कि अगर आपकी जो टेंडेंस हैं, कौन से टेंडेंस, एक्सटेंसर पॉलिसस ब्रेविस और एबडक्टर पॉलिसस लॉन्गस की जो टेंडेंस हैं, उनकी साइनोवियल लाइनिंग्स बेसिकली, ठीक है, अगर साइनोवियल लाइनिंग्स जो इन टेंडेंस की हैं वो इन्फ्लेम हो जाएंगी टू रिपीटेटिव स्ट्रेन, तो उसकी वजह से पेनफुल कंडीशन होती है, ठीक है। इससे हम कहते हैं दिस इज डी क्वेरियन स्टेनोसाइनोवाइटिस, और बेसिकली जब आप थंब को मूव करते हैं ना, तो तब आपकी ये पेन बहुत ज़्यादा हो जाती है, ठीक है, तब आपकी पेन एग्रीवेट कर जाती है, ठीक है। आई होप आपको ये बात समझ आ गई है। देन आप लोगों ने पढ़ लेना है इंटरफेरेंशियल जॉइंट्स फ्रॉम स्नेल, ठीक है, यहाँ से अगर पढ़ना है तो यहाँ से पढ़ लें। जो आपका इंटरफेरेंशियल जॉइंट्स और जो ये फर्स्ट मेटाकार्पोफेरेंजियल जॉइंट है, ये अगर आपको यहाँ से पढ़ना है तो बेशक यहाँ से भी पढ़ लें, वरना स्नेल से पढ़ लेंगे तो फिर भी कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पे आपका जो चैप्टर है ना, ये वाला, ये कंप्लीट हो गया है, एंड अपर लिंग भी आपकी कंप्लीट हो गई है। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आई है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।